एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के एक ट्वीट ने पार्टी को शर्मिंदा कर दिया। इस ट्वीट में 1984 के दंगों के दौरान दिए गए राजीव गांधी के विवादित बयान को ट्वीट किया गया। हालांकि बाद में जब मामला उछला तो ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस नेता अब जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट में लिखा, जब बड़ा पैर गिरता है तो जमीन हिलती है। राजीव गांधी ने ये बयान पूर्व पीएम और अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख दंगों के संबंध में दिया था। उनके इस बयान को सिख दंगों को जायज ठहराने के रूप में देखा जाता है। राजीव गांधी के गुजर जाने के कई साल भी उनका ये बयान कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के ट्वीट के बाद विपक्ष ने उन पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस एक बार फिर लोगों के जख्मों को हरा करने में लगी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने विश्व मानवता दिवस पर दिए गए एक संदेश में कहा है कि रिकॉर्ड 13 करोड़ लोग जीवित रहने के लिए सहायता पर निर्भर करते हैं और ये आश्चर्यजनक संख्या पृथ्वी के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10वें देश के बराबर है। महासभा ने वर्ष 2008 में विश्व मानवता दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी ताकि उन मानवीय सहायता कर्मियों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने अपना काम करते हुए अपनी जान गंवा दी या घायल हो गए। ये दिवस मनाने के लिए 19 अगस्त की तारीख इसलिए तय की गई थी क्योंकि इस दिन वर्ष 2003 को बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में बमबारी हुई थी जिसमें इराक में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष दूत सर्जियो वियरा डी मिल्लो समेत 22 कर्मी मारे गए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के ऊना में दलितों पर अत्याचार की घटना पर विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विरोधी दल गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को बदनाम करने के लिए इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। रूपाणी ने गांधीनगर में एक कार्यक्रम में कहा, विपक्षी दल गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को बदनाम करने के लिए मुद्दे को जिंदा रखने में दिलचस्पी रखते हैं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी लेकिन राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये दावा भी किया और कहा, देश भर में दलितों पर अत्याचार के मामलों के आंकड़े साबित करते हैं कि गुजरात ऐसा राज्य है जहां उनके खिलाफ अपराध कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके नाम लिखे सूट को गिनीज बुक में जगह दी गई है। इसे नीलामी में बिके सबसे महंगे सूट का दर्जा दिया गया है। पीएम मोदी ने ये सूट अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान पहना था। बाद में सूट को गुजरात के सूरत के रहने वाले लालजी भाई तुलसीबाई पटेल ने नीलामी के दौरान खरीदा था। उन्होंने इस सूट के लिए 4,31,31,311 रुपए में खरीदा था। इस सूट की खासियत ये है कि इसमें उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ है। इस सूट को लेकर प्रधानमंत्री को काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। विपक्ष ने सूट को पहनने के बाद मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार बताया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद और इसके बाद कई बार इस सूट के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला था। शोभा डे का रियो ओलंपिक 2016 में भारतीय खिलाड़ियों को लेकर किया गया ये विवादित ट्वीट लोग भूले नहीं हैं और उसके लिए उन्हें माफ करने को भी तैयार नहीं है। संभवतः यही वजह है कि शोभा डे द्वारा ट्विटर पर बैडमिंटन में सिल्वर जीतने वाली पीवी सिंधु को लेकर किए गए उनके पिछले 2 दिनों के ट्वीट पर लोगों ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। शोभा डे के ट्वीट आलोचनात्मक नहीं थे लेकिन लोगों ने प्रतिक्रिया नाराजगी भरी दी। ओलंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर जीतने वाली देश की पहली महिला पीवी सिंधु को वर्ल्ड नंबर 1 कैरोलिना मारिन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और वह भारत के लिए गोल्ड जीतने से वंचित रह गई। लेकिन देश ने उन्हें हाथों हाथ लिया और उनके जज्बे, उनकी मेहनत और उनके खेल के लिए उनकी तारीफों के पुल बांधे गए। 4 साल के प्रतिबंध और ओलंपिक खेल गांव से बाहर किए जाने से शर्मसार हुए पहलवान नरसिंह यादव अब डोप विवाद की लड़ाई को पीएमओ तक ले जाएंगे। पहलवान नरसिंह ने कहा कि उनका नाम तो बदनाम हुआ ही, इससे पूरे देश भर भी काला धब्बा लग गया और वे इसकी जांच करवाएंगे चाहे इसके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े। नरसिंह यादव के मुताबिक वे प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि इसकी विस्तृत जांच कराई जाए और सच सामने आना चाहिए चाहे इसके लिए सीबीआई का सामना ही करना पड़े। नरसिंह ने कहा कि अगर वह दोषी पाया जाता है तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जांच एजेंसी उनका नार्को टेस्ट कराए और इससे विवाद से जुड़े लोगों का भी।
स्वतंत्र दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के बाद इस इलाके से ताल्लुक रखने वाली एक स्टूडेंट ने अपना मैसेज भेजा है। करीमा बलोच नाम की इस स्टूडेंट लीडर ने रक्षाबंधन के मौके पर भेजे गए अपने संदेश में मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन करीमा बलोच का एक वीडियो एक्टिविस्ट तारिक फतेह ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में करीमा ने मोदी से कहा कि वह उन महिलाओं के भाई बन जाएं जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के जुल्मों का शिकार हुए अपने भाई खो दिए। करीमा ने यह भी दरख्वास्त किया कि मोदी बलोच लोगों की परेशानियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखे। भारत में खतरा चारों तरफ से है। पाकिस्तान जहां देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटा है, तो दूसरी तरफ चीन भी भारत की बढ़ती हुई ताकत और विदेश में बढ़ रहे असर से परेशान है। चीन अपने इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस पार जहां अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है, वैसे में भारत ने भी चीन के खिलाफ एक अभेद दीवार बना ली है जिसको चीन किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकता। इसी सिलसिले में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के पस्सी घाट में सुखोई 30 उतारा गया है। पस्सी घाट चीन सीमा से मात्र 80 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार किसी भी कीमत पर पाकिस्तान या फिर चीन सीमा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहती। मोदी सरकार ने ट्विटर के बाद अब फेसबुक पर ज्यादा एक्टिव रहने का प्लान बनाया है। हर मंत्रालय से कहा गया है कि वो फेसबुक के जरिए लोगों से जुड़े ऐप बनाएं और मंत्रालय के कामकाज की अपडेट जल्द से जल्द अपलोड करें। सरकार का मानना है कि आज भी युवा ट्विटर से ज्यादा फेसबुक पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। खासकर किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया सबसे पहले फेसबुक पर आती है, चाहे वीडियो वायरल करना हो या किसी मुद्दे पर मत बनाना। इसलिए अब सरकार के खिलाफ किसी भी मुद्दे पर नकारात्मक माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए मंत्रियों को सक्रिय होने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने सीधे फेसबुक पर सवाल जवाब के लिए पेज बना दिया है। बाकी जिम्मेदारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को दी गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति मंत्रालय के अतुल्य भारत कैंपेन के नए ब्रांड एम्बेसडर थे। पीएम मोदी से पहले फिल्म स्टार आमिर खान इस कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर थे। पीएम मोदी कैंपेन के तहत बनाए जाने वाले वीडियो में भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों का प्रचार करते नजर आएंगे। संस्कृति मंत्रालय ने इस कैंपेन के विज्ञापन फिल्म के लिए एक हफ्ते के अंदर विचार मांगे हैं। कैंपेन के लिए आमिर खान का करार खत्म हो चुका था, जिसे मंत्रालय ने दोबारा बहाल नहीं किया। माना गया कि आमिर के एक कार्यक्रम में भारत छोड़ने संबंधी बयान देने के बाद मंत्रालय ने उन्हें दोबारा एम्बेसडर न बनाने का निर्णय लिया। हालांकि मंत्रालय इससे इनकार करता रहा है। संस्कृति मंत्री महेश शर्मा पहले ही इस बात की तरफ इशारा कर चुके थे कि पीएम मोदी अतुल्य भारत के लिए सबसे अच्छे चेहरे हैं। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।